माँ, तेरे चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी ये ऑडियो क्लिप प्रभु फिल्म्स डुमराओं के माध्यम से सुनने वाले हर एक व्यक्ति के माँ को समर्पित करता हूँ। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है ये माँ। ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है ये माँ। माँ के चरणों तले जन्नत नसीब होती है। यकीन करना दोस्त कि जिस दिन हमारी माँ मौत की दहलीज पर भी खड़ी होगी और अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो माँ की जुबान पर जो पहला वाक्य आता है वो यही होता है कि मेरे बेटे की हालत कैसी है। इतनी बड़ी शिद्दत से ये माँ हमें मोहब्बत करती है, इतनी शिद्दत से चाहती है ये माँ। मोहब्बत की सबसे बड़ी परिभाषा है ये माँ। दुनिया की लाखों महबूबा को कुर्बान कर देना है इस माँ की मोहब्बत के आगे, क्योंकि माँ से बढ़कर दूसरी कोई महबूबा नहीं होती। किसी ने एक बार मुझसे यूं ही सवाल कर दिया कि सर बस आप ये बता दीजिए कि माँ को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, माँ को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, माँ को इतना बड़ा आदर्श क्यों माना जाता है। मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं तेरे इस प्रश्न का जवाब दूं, तू मुझे ये बता कि अगर तेरे शरीर के किसी हिस्से में पत्थर के एक टुकड़े को बांध दिया जाता है तो उस पत्थर के टुकड़े के वजन को तू कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? एक घंटा, दो घंटे, एक दिन, दो दिन? बोला कि बस, धरती पर ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ जो अपने शरीर में किसी पत्थर के टुकड़े को बांधकर उसके वजन को दो दिनों तक बर्दाश्त कर पाए। मैंने कहा तो सोच, जब तू एक पत्थर के टुकड़े के वजन को दो दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये माँ होती है, वो माँ होती है जो 9 महीने तक हमें कोख में डोती है और तब जाकर हमें इस धरती पर आने का मौका देती है, ये बताने के लिए काफी है कि माँ माँ क्यों होती है, माँ माँ क्यों होती है। थैंक यू ऑल।